नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल संभाग के मुरैना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। इस बीच उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल से मेरा राजनीतिक नहीं पारिवारिक नाता है। आफत की इस घड़ी में संभाग के किसानों के साथ खड़े होना मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरा धर्म है। उन्होंने कहा कि वे विश्वास दिलाते हैं कि बाढ़ से प्रभावित एक एक व्यक्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी। सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित किसानों की फसल देख दुखी हुए और कहा कि मैंने अपने 18 साल की जनसेवा के जीवन में आज तक ऐसे भयानक दृश्य नहीं देखे। 8-10 दिन पहले चारों तरफ पानी ही पानी, सड़कें डूब चुकी थी, लोगों को राशन लेने भी नाव से जाना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि ये बाढ़ नहीं है, एक प्राकृतिक आपदा है जो हम सब पर विपत्ति बनकर आई है। न्यूज़लाइट डेस्क की रिपोर्ट। मैंने कम से कम अपने 18 साल के जनसेवा के इतिहास में नहीं देखा है जो आज मुझे देखने को मिल रहा है चंबल संभाग। अभी गाड़ी में हम आ रहे थे, सांस के पूरा और भूख का पूरा होते हुए धुआंधार वर्षा हो रही थी। हम भी भीगे, विधायक भी भीगे, कार्यकर्ता भी भीगी, जनता भी भीगी, गाड़ी भी अटक गई। और रास्ते में जब मैं बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, हमारे लोग कह रहे थे कि आप तो कल्पना नहीं कर सकते, ये अब साधारण स्थिति बनी है। 7 दिन पूर्व, 5 दिन पूर्व, उदाहरण के तौर पर यहाँ हम लोग नाव में आ रहे थे राशन लेकर, फल लेकर, अनाज लेकर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com, www.newslivempcg.com।